हेलो एवरीवन वेलकम बैक ऑन माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो अभी तक मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी बिकॉज मेरे स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं तो अभी आई एम रियली सॉरी बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी बट फाइनली माई एग्ज़ाम्स आर ओवर सो आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू ऑल सो कीप इट अप एंड अगर आप लोगों के एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जिन जिन के हो गए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताना तो चलिए आज हम जियोग्राफी के चैप्टर नंबर टू इन साइड से स्टार्ट करने वाले हैं इस मार्च तक हम सेवन uh, क्लास का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे मतलब जितना हमसे कवर हो पाएगा हम उतना कवर करेंगे बिकॉज एज यू नो कि मैंने ये चैनल बहुत लेट स्टार्ट किया था तो ऑल वीडियोज़ अपलोडेड नहीं हैं तो एट्थ क्लास से मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि सारे आप लोगों के चैप्टर्स नोट्स एंड वगैरह वगैरह सब क्लियर हो जाए हमारे एग्जाम से पहले ही तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं इनसाइड अवर अर्थ ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसमें हमें हमारे अर्थ के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं वो बताई गई हैं तो मैं आप लोगों को इनके क्वेश्चन आंसर्स देने जा रही हूँ हमें आंसर करने इन क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन है वट आर द थ्री लेयर्स ऑफ द रॉक अर्थ की कौन कौन सी तीन लेयर होती हैं द थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ आर द क्रस्ट द मैंतल एंड द को ठीक है नेक्स्ट वट इज अ रॉक एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक थर्ड नेम थ्री टाइप्स ऑफ रॉक द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामोफिक रॉक How are extrusive and igneous rocks formed? Extrusive rocks are formed by the molten lava which comes on the earth's surface and rapidly cools down to become solid. When this molten magma cools down deep inside the earth's crust, then the solid rocks so formed are called intrusive rocks. तो ये था हमारा फोर्थ का आंसर नाव हम फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं व्हाट इज अ रॉक साइकिल व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल हमें रॉक साइकिल के बारे में इसमें हमें बताना है तो चलिए वेन वन टाइप ऑफ रॉक चेंडर सर्टन कंडीशन इन अलिकर दैन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम टू अनादर इज नोन एज द रॉक साइकिल नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द दूजेज ऑफ रॉक ऑफ रॉक्स हार्ड रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स सेकेंड इज सम रॉक्स आर शाइनी एंड प्रीशियस दे आर फॉर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज थर्ड रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड नेक्स्ट इज फोर्थ सम आर यूज फ्यूल्स फॉर एग्जाम्पल कोल नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम फिफ्थ सॉफ्ट रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग टेलकम पावर चॉक्स एटसेट्रा नेक्स्ट इज वट आर मेटामोफिक रॉक इसमें हमें बताना है कि मेटामोफिक रॉक क्या होती है द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक जैसा कि आप लोगों ने इसमें चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि जब इग्नियस रॉक और सेडिमो सेडिमेंट्री रॉक बहुत ही ग्रेट हीट प्रेशर के अंदर आते हैं यानी कि नीचे आते हैं तो उस इन दोनों रॉक का जब कन्वर्जन होता है तो वो बन जाती है मेटामोफिक रॉक ठीक है नाउट इक द करेक्ट आंसर द रॉक विच इज मेडअप ऑफ मोल्टेन मैगमा इज ऑब्वियसली इग्नियस रॉक है जो मोल्टेन मैगमा से बनती है The innermost layer of the earth is core. Gold, petroleum, and coal are example of some minerals rocks which contain fossils are sedimentary rocks. The thinnest layer of the earth is crust, mantle, or core crust. Okay. नो मैचिंग द फॉलोविंग हमारे पास तो कोर क्या है कोर है इनर मोस्ट लेयर जैसे कि हमने अभी टिक द कलेक्ट में भी देखा था तो वो है इनर मोस्ट लेयर मिनरल्स हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल कंपोजिशंस होते हैं यानी कि सेकेंड रॉक्स हैं यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड फोर्थ क्ले है चेंजेस इन टू स्लेट एंड देन सियाल है मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना ठीक है तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट इसके हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं एक्सरसाइज कर लिए हैं एक्सरसाइज में हम लोगों ने मैचिंग करी है ट्रू और टिक द करेक्ट करें हैं एंड दैट्स वाई हमारा जो चैप्टर है ये कम्प्लीट हो गया है अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड चैप्टर करेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय